friends, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? People, welcome back to the NCERT solution series for CBSE 9th grade, and we are into the additional exercise for forces and laws of motion chapter. Additional exercise से भी सवाल आते हैं आपके एग्जामिनेशन से, especially new school examinations. So make sure you're attending this session very attentively. It's super important. We're gonna do the first two questions of additional exercises. And if in case you're wondering, sir, आपने 9th का सिलेबस पढ़ाया है क्या? हाँ भाई, हो गया यार, पूरा हो चुका है, बहुत पहले हो गया था. 9th का सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया हमने, 9th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हमने. अब मोशन हो, फोर्स लॉज ऑफ मोशन हो, ग्रेविटेशन हो, वर्क एनर्जी एंड पावर हो, सब कर लिया हमने. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच. बस 5 सेशन के अंदर पूरा सेशन खत्म कर दिया था, लेकिन हर एक सेशन 1 घंटे में 4 सेशन मेरे ख्याल से, हाँ 4 सेशन में खत्म कर दिया था बच्चों. और हर एक सवाल को हमने डिटेल में कराया हुआ है, हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में कराया हुआ है. प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट इनटू इट, है ना. प्लीज एक बार चेक कर लेना, यू फाइंड इट अमेजिंग एज ऑल द स्टूडेंट्स डू. चेकआउट करना, ठीक है. एंड उसके अलावा इफ इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद अस फॉर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपके पास अनलिमिटेड लाइव क्लास का ऑप्शन हो, और हर एक लाइव क्लास में सुपर फन क्विजेस और लीडर बोर्ड्स हो, कंपीट करो पूरे दुनिया के बच्चों के साथ. और अगर 1-2 क्लास मिस भी हो जाए तो यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड रीप्लेस, जहां पे भी आप क्विजेस और लीडर बोर्ड्स खेल पाओगे. यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ हैंड रिटन नोट्स given by the teachers themselves, by the best teachers of the country and the finest of education coming into your place, coming onto your screen, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि अपने खुद का लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ सको, हिंदी या इंग्लिश में. शेड्यूल आपकी चॉइस का होगा एंड यू विल डू अ ग्रेट जॉब. प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, everything. So what you need to do, just go into the link in the descriptions below or in the pinned comment, और मचाओ यार, वेबसाइट जाके देखो तो सही, मजा आएगा. And if in case you're enrolling, make sure that you are putting the coupon code AKPRO to enjoy more benefits. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने. बहुत ही प्यारा सा, स्वीट सा, क्यूट सा सवाल, एक्सप्लेनेशन बेसिस में है. आपको इसको न्यूमेरिकली करने की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चे से न्यूमेरिकली भी करते हैं, करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन आई डोंट सी इट्स अ नेसेसिटी. 2 सवाल हैं यहाँ पे, और दोनों सवाल के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे. प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ इसको बता दोगे, काफी है. आपको ये बताया, पूछा गया है कि ये आपके सामने टेबल है. द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, टाइम इन सेकंड्स एंड डिस्टेंस इज इन मीटर्स. दिस इज द टाइम इन सेकंड्स, दिस इज द डिस्टेंस इन मीटर्स. ठीक है, 0 सेकंड में 0 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 8 मीटर, 3 सेकंड में 27 मीटर्स, 4 सेकंड 64 मीटर्स, इन 5 सेकंड्स इट क्रॉस 125 मीटर्स, इन 6 सेकंड्स 260 मीटर्स, and in 7 seconds 343 meters. Now based on this particular table which has been given to you, you have to find out the conclusion can you draw about the acceleration. इसको देखिए, आपको क्या लगता है कि एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट कि नहीं हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये बताना है आपको. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, टाइम जैसे इंक्रीज हो रहा है सेकंड बाय सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग. करेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, नॉट यूनिफॉर्मली. ये यूनिफॉर्म नेशन नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर था, दूसरे सेकंड में 8 मीटर हो गया, तीसरे सेकंड में 27 मीटर हो गया. तो दिस डेफिनेटली नॉट यूनिफॉर्म मोशन. सो द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली एक्सेलरेटिंग. नाउ इज इट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? क्या जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है एक ही रेट पे? जैसे 1 से 8 हो गया, अभी 8 का कांस्टेंट होता तो शायद वो 16 होता, 16 टर्म्स होता, लेकिन यहाँ पे 27 हो गया, 27 64 हो गया, 64 से 125 हो गया. सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी नहीं है. और क्या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है? नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट रुक नहीं रहा है, आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करते जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली. सो इट इज डेफिनेटली अ केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन फ्रॉम द टेबल गिवन टू अस. खत्म, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट बी. पार्ट बी में क्या है? What do you infer about the forces acting on the object? यार अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है और ऑब्जेक्ट हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेट करते जा रही है, एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो उसको एक्सेलरेट करते जाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F equal to ma, है ना. अगर मेरा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर सकता है? जब आप कॉन्स्टेंटली फोर्स देते जाओगे ऑब्जेक्ट को. अगर एक फुटबॉल को बार बार लात मारते जाओगे तभी तो उसका जो एक्सेलरेशन हो बार बार बढ़ते जाएगा ना, वैसे ही. सो द फोर्स इज ऑल्सो continuously increasing on the object to cater to the increasing acceleration. तो दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे डिटेल में हमने लिख कर रखा हुआ है ताकि you will have a very fundamental 3 marks questions. ठीक है? Moving on to the second question for today. I love this question personally very much. Too good, like super concept here, super amazing concept. Listen to this and you will love this question. Listen to this, sir. 2 persons manage to push a motor car. So imagine there is a car here. There's a car, beautiful, no? Looks like a Lamborghini. ठीक है, there's a car here, and there are 2 people. There are 2 people who are pushing the car. One to pushing the car. This rope is pushing the car. And the mass of the car is 1200 kg. Can you imagine 1200 kg is the mass and they both are pushing? Is awesome. But the concept here is they are pushing at a uniform velocity along a level road. What do you mean by uniform velocity? Uniform velocity means the velocity is constant here, or even if the velocity is changing, it is changing at a constant speed here, isn't it? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपकी velocity constant है, यानी कि constant velocity वो कार को move कर रहे हैं। मान लेते हैं velocity मान लेते हैं 2 मीटर/सेकंड है, इस 2 मीटर/सेकंड के constant velocity से move कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि acceleration यहाँ पे 0 है, there is no acceleration. If there is no acceleration, there is no force also on the object. There is no force also on the car. कैसे सर? ये दो इंसान तो धक्का मार रहे हैं, आप कह रहे हो फोर्स जीरो है, कैसे हो सकता है? नेट फोर्स जीरो है। क्या फोर्स जीरो बच्चों? नेट फोर्स ऑन द कार इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो सोच कर देखो, अगर मैं कार को धक्का मार रहा हूं और हमारे धक्का मारने की वजह से एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से कार एक्सीलरेट करनी चाहिए, या तो कार डीएक्सीलरेट करनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना, या तो एक्सीलरेशन होना चाहिए या तो डीएक्सीलरेशन होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है, तो द नेट फोर्स इज जीरो। लेकिन ये जो धक्का मार रही है ये फोर्स जा कर रहा है, फिर नेट फोर्स जीरो होने के लिए इफ दे आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन देयर शुड बी अ फोर्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट द नेट फोर्स बिकम जीरो ना। ये फोर्स और वो फोर्स न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैसे? कौन सा फोर्स है वो? आ गया होगा आपके दिमाग में। ऑफ कोर्स यार, ये कार रोड पे है, फ्रिक्शन होगी, कार की फ्रिक्शन होगा, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो होगा। सो दिस फोर्स व्हिच दे आर अप्लाइंग एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, they are both equal to each other, and the frictional force is of course in the opposite direction to the force they are applying. That's why negative sign. ठीक है? So net force on this object is zero. इसलिए net acceleration नहीं है uniform velocity में। बात क्लियर हो गई? इतना बात समझ में आ गया? बस अब इसके आगे मैजिक देखो। Next part क्या बताता है? Next part आपको ये बताता है कि भाई साहब, the same motor can be pushed by 3 persons. अगर मैंने एक और इंसान को लगा दिया, ये इंसान जब धक्का मारने लगेगा तब आपके कार के पास एक 0.2 मीटर/सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा, तब आपका कार जो है थोड़ा सा एक्सेलरेट करने लग जाएगा। तब सवाल आपसे पूछा गया है, विथ व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन मूव द कार, पुश द मोटर कार। अज्यूम दैट ऑल पर्संस पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट, यानी कि तीनों क्या कहें, मतलब सेम ही एफर्ट है उनके पास और तीनों एक ही फोर्स से पुश कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे क्या है भाई? बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन ओवरकम करने में जा रहा है, इसलिए नेट फोर्स जीरो है। लेकिन ये जो बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है, सिर्फ उसी फोर्स की वजह से इन दो फोर्स के साथ ये जब फोर्स एड अप हुआ तब जाके कार मूव होने लगी। तो यानी कि इस बंदे के फोर्स की वजह से कार मूव हो रही है। तो इस बंदे का फोर्स कितना होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना ऑब्जेक्ट का? 1200 केजी, और इस बंदे के वजह से क्या एक्सेलरेशन आई है? 0.2। कर दो मल्टीप्लाई, इट इज एक्चुअली 12 into 20, व्हिच इज 12 to 24, 2400। हां करेक्ट, 2400 और 240 इक्वल्स 240 न्यूटन होगा, है कि नहीं? 120 into 2, 240 न्यूटन। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। दिस इज द फोर्स विद व्हिच the object is moving, and this is the same force applied by everyone. I hope you guys got the idea, people. 240 Newton, yes, that's the correct answer. Superbly amazing question, right? बस ये जो पहला पार्ट था ना, ये पहला पार्ट क्वेश्चन रीड करके समझना हमें, इसलिए मैंने कहा कि एडिशनल एक्सरसाइज काफी ब्रिलियंट होते हैं, ये हॉट स्किप तरीके में आ सकते हैं आपको। People, that was it for the additional exercises. I believe all of you guys enjoyed this part. Now I think we have few more additional exercises. I think so. है शायद, देख लेना। If you guys enjoyed today's session, people, make sure that you hit the like button, share this video, subscribe to the channel right away. Leave me a comment how much you enjoyed today's session, and also make sure that you check out the link in the description for the Vedantu Pro subscription. Let me know how that goes as well. The coupon code is AKPRO, people. Until with the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life. Stay home, stay safe, and stay strong. We'll catch you later. Peace.